नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लैब के रेनफोर्समेंट के बारे में। जैसा आपको दिख रहा होगा, हमारे साथ हैं ट्रेनी इंजीनियर्स और हम लोग आए हुए हैं साइट पे। और एक बार आपको मैं साइट दिखा दूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा साइट है जिसपे कि पूरा रेनफोर्समेंट लग चुका है। और ये किस तरीके से लगता है और हम लोग कैसे इसको लगाते हैं उसको भी सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी स्लैब के बारे में सीखना चाह रहे हो कि किस तरीके से हमारा रेनफोर्समेंट लगता है, तो दोस्तों नोट्स के साथ जरूर बैठना, मतलब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप भी इन चीज़ों को आराम से सीख सको। जैसे कि हम लोग साइड से आज आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे हमारे साथ ट्रेनिंग इंजीनियर्स भी है, वो भी सीखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा रेनफोर्समेंट बिछा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है, वो एक अलग ही तरीके से लगा हुआ है। तो इसके बारे में भी आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कैसे लगा हुआ है, दूसरे स्लैब जो हम लोग पढ़ते आए हैं उनसे अलग कैसे है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। उससे पहले आखिर हमारा जो स्लैब के केस में पढ़ते हैं कि हमारा वन वे क्या होता है, टू वे क्या होता है, उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आप भी इन चीज़ों को आराम से सीख पाओ। तो देखो, हम आए हैं पूरा स्लैब स्लैब पे। तो स्लैब पे ना, हम लोग स्लैब के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारा दो टाइप का हो जाता है, एक होता है आपका वन वे स्लैब और होता है एक टू वे स्लैब, ठीक है। अगर हम साइड पे पहुंचे, अगर आपको बोल दे कि हाँ भाई कि देख के पहचान लो कहाँ पे आपका वन वे है टू वे है, तो कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है देख के पहचान लो कि कौन सा वन वे होगा कौन सा टू वे। हो सकता है कि मैं बोल दूँ कि नहीं ये टू वे है ये वन वे है, तो उसको भी समझेंगे कि आखिर हम देख के भी कैसे पहचान सकते हैं। उससे पहले हम वन वे को समझ लेते हैं, टू वे को समझ लेते हैं। वन वे के केस में क्या होता है कि वन वे में हमारा जो लोड लगा, वो लोड क्या होता है कि आपके जो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस, जैसे ये है, अब इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और इन दोनों साइड में चौड़ाई है, और ये स्लैब है, मान लेते ये पूरा स्लैब है, ये इसका चौड़ाई है और ये लंबाई है। अगर बीच में लोड लगा तो लोड जल्दी से किस पे पहुंचेगा, जो सबसे पास वाला रहेगा, और सबसे पास वाला यही है लंबे वाला, तो इसमें तुरंत लोड पहुंच जाएगा। तो वन वे के केस में यह होता है, जैसे ही लोड पड़ता है लोड तुरंत ना इस लॉन्गर स्पान पे चला जाता है तुरंत। जैसे ये इसको हम मान लेते हैं वन वे, बीच में हम खड़े हैं तो हमारा लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वो तुरंत दोनों साइड वाले में हो रहा, क्योंकि सबसे नज़दीक में हमारा यही है और यही दोनों एकदम लंबा है ना। तो इस केस में सिविल इंजीनियर्स, यदि आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग आपके लिए ही डिजाइन की गई है, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं लेआउट करना, एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QSNRA निकालना, BBS बनाना, बिल बनाना और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग की कंप्लीट स्किल्स। सिर्फ करियर के 2 महीने दीजिए और जॉब या करियर में अच्छी ग्रोथ पाइए। अरे हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गया था, और 65% फीस तब पे करिएगा जब आपकी जॉब 20,000 या उससे ज्यादा की लग जाए। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और अधिक जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉलो करो। अब टूवे में क्या होता है कि टूवे में जब हमारा लोड लगता है तो टूवे में ना लोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इधर भी कुछ चले जाएंगे ट्रेंगुलर, कुछ इधर भी कुछ इधर में, मतलब इसमें दो तरीके से लोड होता है। आपके जो ये छोटा वाला है इसमें ट्रेंगुलर के केस में लोड जाता है, जैसे ये ट्रेंगुलर बनेगा ऐसे इसमें लोड जाएगा, इस केस में ऐसे ट्रेंगल बनेगा इसमें लोड जाएगा, और ये ट्रेपोजोडियल बन जाएगा लॉन्गर साइड में। तो इसमें जो लोड ट्रेबल होता है वो आपके चारों साइड में ट्रेबल होता है। इसी के अकॉर्डिंग में हमको क्या करता है, रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करना पड़ता है कि अगर हमारा वन वे स्लैब बन रहा होगा तो एक साइड में लोड जा रहा होगा, तो एक साइड में हम लोग रेनफोर्समेंट बिछा देंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट को कम कर सकते हैं कि जैसा रिक्वायरमेंट होगा सेम उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रेनफोर्समेंट बिछाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा वन वे बन रहा होगा तो हम क्या करेंगे टू वे का सरिया बिछा दो, वेस्टेज है ना। जब हमारा लोड कर लेंगे हम लोग उसको सहन सकते हैं वन वे से, तो वन वे में करेंगे। तो ये चीज़ आपको लोड के अकॉर्डिंग समझ आया कि लोड ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। वन वे में क्या होता है कि आपके लॉन्गर वाले स्पान में लोड चला जाता है, टू वे में आपके चारों साइड में लोड ट्रांसफर होता है। अब सोचो, अभी आपको बोले कि वन वे है, वन वे में लॉन्गर साइड में स्पान पे पूरा लोड जाता है, तो आपके शॉर्टर में इधर बीम देना जरूरी है क्या? नहीं देना, लोड तो जा ही नहीं रहा उस पर। तो वन वे में हम देख के तब पहचान सकते हैं कि सिर्फ आपका एक ऐसे बीम जा रहा होगा, एक ऐसे बीम पूरा छत डला हुआ है, तो उसको देख के हम पहचान सकते हैं भाई वन वे है, क्योंकि इसके दो साइड में ही बीम है। लोड बीम पे ट्रांसफर होता है, स्लैब का बीम कैरी करता है, बीम का लोड कॉलम कैरी करता है, कॉलम जाके फुटिंग में देता है, यही है लोड ट्रांसफर का मैकेनिज्म, इस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो अब यहाँ से देखने का जो बात बोले थे कि देख के पहचान सकते हैं, तो देख के तभी पहचान सकते हैं जब आपके लॉन्गिट्यूडनल साइड में आपके दो बीम जा रहे होंगे और दोनों साइड में एकदम बीम नहीं है,
अब ऐसा कभी घर डिजाइन होता है क्या आपके, जो एक रूम बना उस रूम में कि दो साइड में दो, इधर नहीं दो? नहीं होता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे रूम बनते हैं ना आसपास में, तो सबके लिए कहीं ना कहीं बीम होगा, तो हम सिर्फ ऊपर में छत पे चढ़ के नहीं बता सकते कि वन वे होगा टू वे होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे वन वे टू वे क्या होता है, तो इसके लिए एक छोटा सा बस फॉर्मूला है आपको याद रखना है, कि आपको एक चीज पता होगा कि आपका सबसे लंबा वाला स्पान कौन होगा और आपका छोटा वाला स्पान कौन होगा, ठीक है। उस केस में हम लोग करते हैं, अगर हमारा लॉन्गर स्पान बटा में छोटा स्पान अगर हमारा दो से बड़ा रहा तो हमारा वन वे स्लैब हो जाता है। क्या होता है कि हमारा लॉन्गर स्पान अपॉन में शॉर्टर स्पान को डिवाइड करेंगे, अगर वैल्यू दो से बड़ा आ गया तो वो हमारा वन वे हो गया, समझे, वन वे हो गया। वहीं पे टू वे क्या होगा, लॉन्गर स्पान अपॉन में शॉर्टर स्पान का वैल्यू दो से छोटा आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, हमारा टू वे स्लैब होगा। तो हम लोग टू वे के तरह से हम लोग रेनफोर्समेंट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब, अभी जैसे ये था आपका लॉन्गर, ये था आपका शॉर्टर, ठीक है। अगर इसकी जो लेंथ होगी इसको इस वाले लेंथ से डिवाइड करेंगे, दो से ज़्यादा हो गया तो वन वे में करेंगे, ठीक है, वन वे की तरह हम लोग बिछाएंगे, और हमारा इसकी वैल्यू दो से छोटा हो जाता है तो टू वे की तरफ से बिछाएंगे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखो, मैं जिस स्लेब पे भी खड़ा हूँ इसके चारों साइड में, बस यहाँ जहाँ सेंटर पे खड़ा हूँ बस एक सिंगल मेस बिछा हुआ है, नीचे सिंगल जाली है ना, कि मतलब एक ऐसे आया है एक ऐसे, सिंगल जाली है। लेकिन जैसे ही इस साइड में मैं देख रहा हूँ इधर में डबल मेस हो गया है, पीछे वाले में देख रहा हूँ यहाँ भी डबल मेस है, सामने देखो उधर भी डबल मेस है और इधर भी डबल मेस है, मतलब ये टू वे का सरिया बिछा हुआ है, ठीक है ना। कैसा बिछा हुआ है? टू वे का। मतलब टू वे में क्या होता है कि आपके सेंटर में होते हैं सिंगल जाली और आपके चारों साइड में होते हैं डबल डबल जाली। अब इसका रीजन क्या है, जैसे कि आपको देखो ये स्लैब बताए थे, ठीक है, स्लैब के केस में क्या होता है कि जैसे ही हम सेंटर पे लोड लगा रहे हैं ऐसे हो रहा है, मोमेंट हो रहा है ना, तो ये चारों साइड से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंटर में क्या हो रहा है, सेंटर में लोड लगा है तो सेंटर झुकने की कोशिश कर रहा है, और इसमें क्या होता है बीच में क्या होता है टेंशन जोन आ रहा होगा नीचे, जैसे भी बीम के केस में बताए थे। तो हमारा जो बीच वाला सेंटर में है इसमें क्या कि ऊपर में कंप्रेशन और नीचे में टेंशन बन रहा होगा, तो सरिया हम लोग देते कहाँ, टेंशन वाले जोन में ना, तो बस टेंशन वाले जोन में हम लोग सेंटर पे दे दिया, ऊपर देने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन पे हमने को चाहिए टेंशन वाले में बिछा दिया सरिया। इतना समझ में आया ये वाला? अब वो भी विदाउट लैपिंग बिल्कुल, है ना। अब उसके बाद देखो, जैसे ही सामने में गए तो सामने में डबल जाली मिल गया, क्योंकि जैसे ही लोड लगा रहे थे ये दोनों उठने की कोशिश कर रहा था, तो उठने के लिए हम क्या किए, निगेटिव मूवमेंट बन रहा था, हम और सरिया रख के जाली बना दिए, भारी बना दिए, दोनों एकदम हिल नहीं रहा। तो इस केस में हमारे चारों साइड में लोड होते हैं, चारों साइड में जाएंगे तो चारों साइड से हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा डबल जाली बना देते हैं, ये हमारा टू वे हो गया, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर हम लोग जो सरिया का प्लेसिंग करेंगे, सरिया बिछाएंगे, वो कैसे बिछाना है ना। तो इसको पकड़ो जरा, अभी देखो, एक तो सबसे पहले बताएं कि आपका सबसे लंबा वाला दूरी और आपका एक छोटा वाला दूरी, ठीक है, ये दोनों दूरी अपने को पता है। अब लोड जैसे ही पड़ेगा तो लोड सबसे पहले लंबे वाले बीम पे जाता है, लेकिन लॉन्ग ट्रेवल कैसे करता है, लोड तुरंत पड़ा नजदीक सबसे जो पड़ेगा उसी पे ट्रेवल करता है। अब जैसे यहीं पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे जैसे ही लोड लगा सबसे नजदीक कौन सा है, ये दूर में है ना, तो ये नजदीक है तो लोड ऐसे ट्रांसफर होगा। तो लोड ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हम लोग देते हैं मेन सरिया, ठीक है। यहां से निकल के आया, जो हम लोग मेन सरिया बिछाएंगे सबसे पहला सरिया, वो कैसे बिछाएंगे, छोटे वाले में बिछाएंगे। समझ में आया कि सबसे पहला जो सरिया हम लोग रखते हैं वो देखो नीचे में रखा हुआ है, ये नीचे वाला और ये ऐसे ऐसे लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये छोटा डिस्टेंस है, ये वाला बड़ा डिस्टेंस है, तो ये शॉर्टर स्पान में हम लोग सबसे पहले नीचे में सरिया बिछाते हैं, हाँ शॉर्टर वाले में, याद रहेगा। तो सबसे पहला सरिया कहाँ लगा रहे हैं, शॉर्टर वाले में, तो शॉर्टर वाले में वहां से लेके यहाँ तक क्लियर स्पान है पूरा, वहां से लेके नीचे में पूरा बिछा दो, है ना। अब इसके ऊपर में डबल मेस बनाना पड़ेगा, तो दूसरा सरिया इसके ऊपर में बिछाएंगे, वो आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, वो बिछा दिए। देखो ये सबसे पहला नीचे वाला जो ये शॉर्टर वाला सबसे छोटा डिस्टेंस, और इसके ऊपर वाला जो ये लगा हुआ है ये आपके कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन बार, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसका क्या काम होता है, इसको सपोर्ट करता है, लोड आता है ये नीचे वाले को बांट देता है, मेन बार का काम है लोड को ट्रांसफर करके बीम में दे देता है। और ये बीच में इतना सा इसलिए देते हैं क्योंकि बीच में सिर्फ टेंशन बन रहा है, कंप्रेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए बीच में दे, साइड साइड में निगेटिव मूवमेंट ज्यादा बन रहा था तो साइड में हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे।
जनरली आप लोग जब पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग देखते ना कि क्रैंक मोड़ा हुआ है, क्रैंक, और क्रैंक उतने ही एरिया में मोड़ते हैं हम लोग जितने एरिया में हमारा क्या आता है, लोड का इफेक्ट आता है, निगेटिव मूवमेंट। अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया भाई साहब ने, क्रैंक व्रैंक नहीं मोड़ा, डबल मेस ही डाल दिया। ये भी बढ़िया कि इसका इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, एल बाई फोर तक जनरली हम लोग लेते हैं, बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग में आपका चेंज होते रहता है। हो सकता है कहीं पे एल बाई थ्री आएगा, एल बाई फोर भी आएगा, एल बाई फाइव तक जाता है तो वो डिज़ाइन में, लेकिन हम लोग नॉर्मली कम से कम एल बाई फोर को देखते हैं। तो अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यहाँ से वहाँ क्लियर स्पान मान लेते हैं टोटल एल होगा, तो ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक एल बाई फोर, तो ऊपर में एल बाई फोर तक में इफेक्ट आता तो हम क्या किए, ऊपर में एल बाई फोर तक हम क्या किए, सरिया प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे क्रैंक तोड़ना था, हम लोग क्रैंक नहीं देके क्या किए, एक सरिया ही प्रोवाइड कर दिए पूरा, आधा उस स्लैब के लिए आधा इस स्लैब के लिए, दोनों को ऐड करके सरिया कटा लिए, आसान तरीका, कोई क्रैंक नहीं। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी के साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर, बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। सेम अब इस साइड में जब बात करेंगे तो एक स्लैब उधर है, एक स्लैब इधर है, तो इस स्लैब के लिए देखो, अब ये छोटा वाला है ना, ये छोटा स्पान, इसका एल बाई फोर देखो ये छोटा हो गया उसके रिस्पेक्ट में, तो ये एल बाई फोर, सेम उस छत का एल बाई फोर, दोनों को ऐड किए, बीम का जो लंबाई है चौड़ाई उस बीम को ऐड किए, एक सरिया कटवा ली तो पूरा बिछ गया, मतलब ये सरिया आपके एल बाई फोर इधर में भी काम आ गया, वो सरिया एल बाई फोर उधर में ही काम आ गया, ये बीम रहा, इस बीम में एल बाई फोर इधर काम आ गया, एल बाई फोर उधर काम आ गया, इस बीम के लिए एल बाई फोर इधर हो गया, एल बाई फोर उधर हो गया, तो ये स्लैब के चारों साइड में आपके जो क्रैंक तोड़ के ऊपर करते उसकी कहानी खत्म होगी, डबल मैस ही बिछ गया। तो ऐसे वाले स्लैब में आपको बिछाना एकदम आसान होता है। आसान कैसे है कि सबसे पहला जो आप नीचे वाला मैस बिछाओगे वो एकदम सबसे पहले, इस स्लैब के लिए बात करेंगे तो सबसे छोटा वाला बिछा दो पूरा, लेके यहाँ से वहाँ तक पूरा बिछा दो, बिछा दिया। दूसरा इसके ऊपर में डबल डबल ऐसे बिछा दो, एकदम आसान, पहला मैस कम्प्लीटली पूरा छत का तैयार। दूसरा आपको पता है कि बीम कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, वहाँ बीम है ना, बीम है, आपको हर स्लैब के लिए लंबाई चौड़ाई आपको पता है आपके पास, है ना, कि इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, उसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा, तो इस वाले लंबाई चौड़ाई अगर इसके इस स्लैब के बारे में बात करें तो इसका अगर ये पता है हमको, ये वाला चौड़ाई पता है, तो चौड़ाई क्या है, एल बाई फोर हमको पता होगा। दूसरे वाले स्लैब का देखेंगे अगर उस वाले में चौड़ाई आता तो उसका भी एल बाई फोर पता होगा। तो क्रैंक जो ऊपर में एक सरिया प्रोवाइड करना होगा जो कि निगेटिव मूवमेंट को रसिस्ट करेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, बीम का एक चौड़ाई होगा, वो चौड़ाई एक्स्ट्रा आ रहा होगा, उसको ऐड कर लेंगे, देख सरिया का पूरा लंबाई निकल गया, वैसे ही सरिया हम ऊपर में बिछा देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्लैब में पूरा सरिया का अरेंजमेंट बिछा लेते हैं। अब नंबर निकालना होगा भैया, नंबर कैसे निकालते हैं, तो नंबर निकालने के लिए एक चीज़ बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे मानो ये हम नीचे वाला मेन बार का बात कर रहे हैं, जो नीचे वाला जो ये मेन बार बिछा हुआ है, इसका नंबर हमको निकालना रहेगा इस स्लैब के लिए। तो देखो ये बिछा कैसे रहे हैं, शॉर्टर में, लेकिन शॉर्टर में जो बिछा रहे हैं हम लंबाई कौन सा पकड़ रहे हैं, लॉन्गर वाला। ध्यान में आया क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप शॉर्टर वाले में बिछने वाला बार को आप नंबर निकालते हो, देखो ये नंबर ऐसे हम आगे चल रहे हैं, चल बिछा हुआ ऐसे है, लेकिन आगे जब चल रहे हैं तो हम कौन सा लेंथ कवर कर रहे हैं, लंबाई वाला। तो जब भी आपका ये शॉर्टर वाले का हम लोग नंबर निकालने जाएंगे, उसके लिए आपका जो लॉन्गर वाला लंबाई रहेगा उस नंबर से हम लोग इसका स्पेसिंग को डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग है वो डिवाइड करेंगे, तो इस शॉर्टर में लगने वाला नंबर निकल जाएगा। आया कहानी समझ में? सेम उसी तरीके से ये जो देखो लंबा वाला बिछा हुआ है, लंबा वाला बिछा है, लंबे वाले का जब हम लोग नंबर निकालेंगे तो क्या होगा कि ऐसे वाले में कर रहे हैं कवर, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तो लंबे वाले लॉन्गिट्यूडनल के लिए निकालने के लिए शॉर्टर वाला स्पान से उसका स्पेसिंग डिवाइड कर, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसका नंबर निकालते हैं, सेम आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कभी केस क्या बनेगा, जैसे कि एल बाई फोर उसका यहाँ से यहाँ आ रहा था, यहाँ से आते आते इस कॉर्नर पे देखो एल बाई फोर आ गया होगा, है ना, सेम उसी तरीके से एल बाई फोर यहाँ से यहाँ आते आते यहाँ पे भी आ गया। अब इस कॉर्नर पे ना चारों साइड से आ रहे हैं, इस कॉर्नर पे ज़्यादा जाली बन रहा है ना,
इधर से भी आ गया, इस वाला भी आ गया, इस वाले ऑलरेडी आ रहे हैं। तो इस केस में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब आपके बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनते हैं तो कॉर्नर पे आपके चारों साइड से आके ज़्यादा सरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब लो राइज बिल्डिंग मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ये सरिया बिछा रहे हैं, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सरिया है, इस सरिया को बस इतने वाले एरिया में बिछाते हैं, बाकी वाला जो इसका लॉन्गिट्यूडनल सरिया आ रहा होगा वो तो इसमें लग ही जाएगा। आया ये समझ में क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा टॉप ऊपर में लग रहा है, ये टॉप वाला जो ऊपर में मेस है, ये वाला मेस अब इसमें देखो यहाँ तक लगते लगते यहीं तक लगा, इसके ऊपर में नहीं लगा क्योंकि इसको सपोर्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा था लॉन्गर में वो यहाँ पे आके लग गया, तो सपोर्ट दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ बनता है कि जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने मिल रहा होगा, हर एक डबल मेस बना है सब जगह, चारों साइड में डबल मेस बना है, तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं चेयर बार। क्या काम है इसका, काम बस इतना है जहाँ पे भी हमारा डबल मेस बन रहा होगा तो डबल मेस दो मेस बन गया, दो मेस बनने के बाद अगर हम दो मेस बनाए और बीच में कुछ नहीं दिए, आदमी आएंगे कंक्रीटिंग करेंगे चलेंगे तो क्या हो जाए, दब जाएगा, चिपक जाएगा, तो डबल मेस देने का कोई ज़रूरत हुआ क्या। हमें डबल मेस इसलिए दे रहे थे कि ऊपर का निगेटिव मोमेंट को ख़त्म करे, इसलिए ऊपर दे रहे थे, वरना नीचे में तो ऑलरेडी है ही, तो उस केस में इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो ऊपर रखने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्या, चेयर बार। और जो चेयर बार कभी भी लगाते हैं, जैसे इसका पैर बना हुआ है, इस चेयर बार का ये जो दोनों है ना, ये दोनों, इसको बोलते हैं लेग, क्या बोलते हैं लेग, और इसका ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं हेड, हेड, और ये जो दोनों साइड वाला होता है ना इसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं हाइट, मतलब दो लेग होते हैं अपने पास एक चेयर बार में, ये दोनों हो गए इसके हाइट और ये हो जाता है हेड, ठीक है। अब इसको जब भी प्लेसिंग करते हैं ना, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका जो प्लेसिंग है वो प्लेसिंग हमेशा क्या करना है, मेन बार पे रखना है, कभी भी इस पे नहीं रखना। कहाँ पे रखते हैं हमेशा, मेन बार पे रखते हैं, तो इसको हमेशा प्लेसिंग मेन बार पे रखना है, आपको याद रखना है, आप भी जब भी कहीं पे जाओगे इसका प्लेसिंग मेन बार पे रखना। तो इस तरीके से हम पूरा इसका चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए वन वे टू वे, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, सरिया कैसे लगा है वो भी समझे, ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ क्वेश्चन पूछो। हाँ जैसे कि ये वाला बार हम लोग यहाँ से लिए, हाँ जस्ट इससे पहले जब हम लोग बराबर लेना था, हाँ तो एक बार हम लोग बढ़ा के लिए यहाँ तक आया, एक बार तो एक बार छोटा हो गया, फिर एक बार बार बड़ा हो गया, फिर एक छोटा हो गया, कौन सा नीचे वाला था, नीचे वाला, हाँ नीचे वाला, हाँ ये एक ऊपर तक ज़्यादा हाइट तक आया है, एक ही, हाँ वाला वो बड़ा हुआ फिर छोटा। हाँ अब देखो जैसे कि लास्ट साइड में जब हम लोग अल्टरनेट क्रैंक तोड़ते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, क्रैंक तोड़े, क्रैंक तोड़ने के बाद क्या होता है, एक सरिया जा रहा है और उसको ऊपर कर दिए तो नीचे वाला प्लेस खाली रह गया, क्योंकि उस कॉर्नर पे हमारा जो लोड रहता है, जो लोड का इफेक्ट रहता है निगेटिव मूवमेंट, वो ऊपर साइड में रहता है, तो सरिया हमको ऊपर में चाहिए, नीचे में कम सरिया चाहिए, ऊपर में ज़्यादा सरिया चाहिए। यहाँ पे हम क्या किए हैं, सरिया को कट करा दिए हैं, नीचे में कम है लेकिन ऊपर में पूरा होगा, ऊपर में देखो कहीं भी स्पेस खाली नहीं होगा, प्रॉपर एक स्पेसिंग के साथ में होगा। मेन बार हम तो, हाँ उसमें क्या किया, हाँ वो कम ही कर दिए, कम कर दिए, हाँ पूरा एक, एक तो पूरा दिए हैं ताकि जाके फंसाए हम, लॉक करना जरूरी है, हाँ दूसरा कम है कि दूसरा एक को कम कर दिए हैं ताकि नीचे में उतना रेनफोर्समेंट नहीं लगेगा। तो ये क्या किया है ना कि रेनफोर्समेंट को यूज करने का, कि कम यूज करके किस तरीके से हम अच्छे तरीके से बना पाए, वो काम यहाँ पे हुआ है, हाँ मतलब इकोनॉमिकल भी बनाया गया है और एकदम पूरा सेफली भी है, बहुत अच्छा है ना सर। इसको डबल मैच टू वे स्लैब, इसको टू वे स्लैब बोलेंगे, डबल मैच चारों साइड में बनता ही है, इसको टू वे स्लैब बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ मतलब इसको पहचानने का, करने का एक ही तरीका है, लॉन्गर स्पान अपॉन में शॉर्टर करो। अगर हमारा दो से बड़ा हो गया तो उसको वन वे बोलेंगे, दो से छोटा हो गया तो टू वे बोलेंगे, और टू वे की तरह से हम लोग सरिया लगाएंगे, वन वे होगा तो वन वे की तरफ से सरिया लगाएंगे, उसमें बस एक ही साइड में लगेगा। जैसे वन वे में क्या होता था कि ये दोनों साइड में लगेगा लोड जा रहा, तो इसी दोनों साइड में मेस देंगे, इस दोनों साइड में देने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों साइड में देंगे। यहाँ पे पूरा रेनफोर्समेंट ही टू वे स्लैब की तरह लगाया गया है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर जहाँ हमारा वन वे है तो वन वे देंगे तो और भी बेस्ट है, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, किस तरीके से हम वन वे और टू वे में हम अपना रेनफोर्समेंट को बिछाते हैं और एकदम अलग ही तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, इन चीज़ों को भी आप समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें।
और अगर आप भी इन चार चीज़ों को सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।